कृष्णा, मेरा नाम निताई है। आज मैं आपको निमाई के बचपन की लीला सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन जगन्नाथ मिश्रा के घर एक ब्राह्मण कुछ दिनों के लिए रहने आते हैं। वह ब्राह्मण का नियम था कि वह भोग बनाकर अपने गोपाल जी को खिलाकर वो खुद उसे प्रसाद के रूप में खाए। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ कि निमाय वो ब्राह्मण भोग लगा रहे थे और उधर निमाय आके वह भोग खा लिया। और ब्राह्मण आँख खोल कर बोले कि ये निमाय ने तो मेरे गोपाल जी का खाना खा लिया। तो यह आवाज़ सुनकर जगन्नाथ मिश्रा बोले कि आप एक बार फिर से भोग बनाइए और भोग लगाइए, मैं इस बार निमाय को अपने पड़ोस के घर छोड़ के आता हूँ। तो इस बार वो ब्राह्मण फिर से भोग लगाए और निमाय वहाँ फिर से प्रकट हो गए और निमाय फिर से खाना खाने लग गए। और ब्राह्मण आँख खोल कर देखे कि ये निमाय तो वापस मेरे गोपाल जी का भोग खा रहा है। तो यह आवाज़ सुनकर वापस जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता वहाँ आ गए। और जगन्नाथ मिश्रा बोले आप एक बार फिर से भोग बनाइए, मैं निमाय को इस बार कमरे में बंद करके आ जाता हूँ। और ब्राह्मण बोलते नहीं नहीं, आज तो लगता है मेरे को कि भगवान का मन चाहता है कि आज मैं खाली पेट ही सो जाऊँ। तो जगन्नाथ मिश्रा बोलते हैं नहीं, आप एक बार फिर से भोग लगाइए। तो वो एक बार फिर से भोग लगाते हैं और निमाय वाह एक बार फिर से प्रकट हो जाते हैं और भोग खाने लग जाते हैं। तो ब्राह्मण आँख खोल के देखते तो वो बोलते हैं हाय हाय, ये निमाय ने तो वापस मेरे गोपाल जी का भोग खा लिया है। तो इस बार निमाय बोलते हैं कि मैं तो आपको आपके पास आ रहा था क्योंकि आप मेरे को बुला रहे थे घंटी बजा के। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं तो अपने कृष्णा को बुला रहा था। तो निमाय बोलते नहीं, आप तो मेरे को ही बुला रहे थे, मैं ही हूँ कृष्णा। तो उस समय निमाय ने चतुर्भुज का रूप लिया और ब्राह्मण को खुश करा दिया और ब्राह्मण खुश होके रोने लग गए। इससे हमें पता चलता है कि जय गौर श्री कृष्णा श्री जगन्नाथ, इसका अर्थ है जो चैतन्य महाप्रभु है वही कृष्णा है और वही जगन्नाथ जी है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।